होके पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर मुद्दा क्या रहा बच्चों को मारने का, और शान को अपने घर में क्यों इन्वाइट कर रहे हो, क्या मतलब है? कोई जरूरत नहीं बनती आज की डेट में समाज का, मतलब है पहले से बातचीत थी, पहले से जानकारी थी, आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो फिर वही तो बात है ना, क्यों फिर क्यों महिलाओं को दोस्ती करनी है किसी से भी या उसके आदमी से भी? अगर आदमी से दोस्ती है तो महिला अपने घर में क्यों बुलाएगी? भी अपराधी हैं ये, हमारे देश में संविधान को बदलने की जरूरत है। ऐसे लोगों का इनकाउंटर भी बहुत छोटा है। आपने रोड पे भीख मांगते लोग देखे जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, आंखें नहीं होती, इनका वो हाल होना चाहिए। पर कुछ चैनल हैं, गोदी मीडिया है, जो मुसलमान की कोई खबर निकल के आती है तो उसको हाईलाइट करके सबसे पहले चलाती है, और जब एक कोई हिंदू अगर किसी दोषी होता है तो उसे दबा दे रहता है। आज से गोदी मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करता, क्यों नहीं करता? गोदी मीडिया की नज़र में जब तक कोई मुसलमान ना हो टीआरपी का मुद्दा नहीं बनता। अभी हाल ही में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई बदायूं में, जहां दो नाई भाइयों ने अपने पड़ोस के ही दो मासूम बच्चों का गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। आज हमारे साथ मौजूद हैं सहानी जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया, बताइए। सर मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, ये जो अभी हादसे हुए हैं आपकी क्या राय है, इस पर टिप्पणी क्या है आपकी? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश में किसी भी तरह की कोई वारदात होती है तो उसको हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जाता है जी। आज की डेट में आप ये बताइए कि क्या अगर सारे ही मुसलमान अपराधी होंगे तो क्या आप और हम सांस ले पाएंगे? देश में 30 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, कोई घर नहीं बचेगा जहाँ पे लोग मारे ना जाएं। तो आज की डेट में उसको जबरदस्ती नैरेटिव बनाया जा रहा है हिंदू मुसलमान का। ठीक है उसने जुर्म किया, बंदे ने अपराधी है, अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखो, धर्म की दृष्टि से मत देखो। आज अगर आप मुसलमानों को यहाँ से देख रहे हो कि उन्होंने गला काट दिया, तो वो भी मुसलमान है जो हमने देखे हैं कि अभी आपको पता है जब गुजरात में पुल गिरा था तो उसे बचाने वाले भी मुसलमान थे, अभी सुरंग के अंदर मजदूर फंस गए तो उसे बचाने वाले भी मुसलमान थे। आप एक चीज एंगल मत देखो, जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए, जिसका इनकाउंटर हुआ का बिल्कुल समर्थन नहीं है, दूसरे के साथ कड़ी कार्रवाई होके पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर मुद्दा क्या रहा बच्चों को मारने का। और सबसे बड़ी बात ये देखिए ना, आप ये कह रहे हो कि वो पहली बार घर में आए हैं, आज हमारे पड़ोस में कोई नाई रहता है तो हम उसको अपने घर में क्यों बिठाएंगे? हम उसको पानी के लिए या कॉफी के लिए चाय के लिए गेट पे पूछ लेंगे? तो ह्यूमैनिटी के लिए अपने घर में कोई इनवाइट नहीं करता किसी को, आप याद रखो इस बात को। दोस्ती थी सर, अरे दोस्ती, हाँ तो यही तो बात है ना, आप संबंधी क्यों बनाओ? यानी आप कह रहे हैं मुसलमानों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आज की डेट में किसी भी इंसान को दोस्ती बंदा परख के करनी चाहिए, आप मत परखो। आपको क्या मतलब है अपने घर में इनवाइट करने का, आप समझो ना इस बात को। तो ये वारदात जो दी गई है इसके पीछे कड़ी कार्रवाई अगर आप करोगे तो बहुत से तार निकलेंगे जो हम बोलना नहीं चाहते, वो समाज को बहुत जल्दी पता लगेगा कि हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है सर। हाँ इसकी असली वजह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भिड़ी हुई है, आपकी ऑडियंस को भी ये बात समझ में आती होगी कि ऐसे कोई भी महिला अपने घर में इन्वाइट नहीं करेगी किसी बंदों को कि आप आ जाओ हमारे घर में चाय पी लो। पूरी कार्रवाई में उस महिला जो कि माँ है उन बच्चों की, वो उसका भी हाथ है? हमने तो ये बात बोली नहीं है, हम तो ये बात बोलना चाह रहे हैं कि उनकी बातचीत का सिलसिला था, अगर बातचीत का सिलसिला ना होता तो कौन महिला, अगर आप अब वो तो वो जाने आप जानो तो उसके पति का था ना? आज की डेट में आज हमारे घर में तो हमारी बीवी किसी को इन्वाइट नहीं करेगी, आज हमारे घर में बैठ जाओ चाय पी लो, हम तो नहीं अलाउ करते इस चीज को। आप गेट तक रखो ऐसे लोगों को, क्या मतलब है? आप एक इंसान को अपने घर में क्यों इन्वाइट कर रहे हो, क्या मतलब है? कोई जरूरत नहीं बनती आज की डेट में समाज में। 5,000 रुपए जो मांगे थे उसने, मैं आपसे ये तो कहना चाह रहा हूँ आज की डेट में किसी ने मदद मांगी है, कोई हमारी दुकान है, हमारी दुकान तक आया तो हम उसे घर तक नहीं लेके आएंगे। आज आप मान लो अपने घर में आप अपने लेके चल लो, क्या आपके घर में कोई पड़ोसी हो और आप अकेली हो आप उसको अपने घर में बुला लोगे? नहीं बुलाओगे ना, नहीं बुलाओगे ना, आप भी कहोगे ना हाँ भाई साहब क्या बात है बाहर से बताओ क्या बात है क्या रीज़न है, 5,000 रुपए चाहिए कोई बात नहीं मेरे पति नहीं है जब आएंगे जब आप ले जाना, अगर जब मेरे पति हो तब आप घर में आना, कोई मतलब नहीं बनता मैडम। आज का समाज इस चीज़ को समझिए कि आज वो ज़माना नहीं है कि पड़ोसी को भी अपने घर में एक अकेली औरत बुलाए, कोई ज़माना नहीं रह गया। आप इसको मुसलमान या हिंदू के एंगल से मत देखो, या आप जहाँ तक दिमाग करैक्टर की तरफ दौड़ा रहे हो, मेरी बात सुनो, जहाँ आपका दिमाग करैक्टर की तरफ जा रहा है वहाँ भी मत लेके जाओ। अच्छा। मुद्दा यहाँ पर यह चीज़ है कि किसी भी अजनबी को अपने घर के अंदर दावत देने का मतलब नहीं बनता किसी भी मकसद से, किसी भी मकसद से, कोई भी मकसद। गुनहगार जो है एक तरह से या इनडायरेक्टली देखा जाए तो उसकी माँ की भी गलती है, उन बच्चों के माँ की गलती नहीं है, माँ ने उस तरफ सोचा ही नहीं ना। आज हम क्यों कहते हैं पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी तो हम क्यों कह सकते हैं हम करने के मैं कहते नहीं, हम घर में मदद घर में रह के मदद क्यों करनी है? अगर किसी ने 5,000 रुपए मांगे तो हमने कह देंगे ठीक है भैया खड़ा मैं ला के देता हूँ। आज वो बताया जा रहा पहली बार घर में आया है, जब वो पहली बार घर में आया तो आज ये बगल में नाई की दुकान है, हमारे घर में कोई आए दरवाजा खड़का के मेरी भाभी को बोले मेरी बीवी को बोले हाँ जी मेरे को आपके घर में चाय भी नहीं है या मुझे 5,000 रुपए दे दो, तो वो कहे कौन है तू भाई कौन है तू, इसका मतलब है वो पहले से बातचीत थी पहले से जानकारी थी, आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो फिर वही तो बात है ना, क्यों फिर क्यों महिलाओं को दोस्ती करनी है किसी से भी या उसके आदमी से भी? अगर आदमी से दोस्ती है तो महिला अपने घर में क्यों बुलाएगी? आज की डेट में उसका इनकाउंटर दूसरे का भी हो,
हम उस चीज से भी मना नहीं कर रहे, पर हम एक समाज को शिक्षा देना चाह रहे हैं कि बहन बेटियों को आज की कानूनी तौर पे जो पहले अपराधी की एनकाउंटर हुआ है वो कानूनी तौर पे सही था क्या? बिल्कुल सही था। आज की डेट में आप इनकाउंटर साजिश नहीं है पुलिस की, कानून को अपने हाथ में ले लिया। देखिए आज की डेट में जो साजिश है कि आप सोचोगे तो फिर तो इंसाफ मिल गए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जितने भी अपराधी हैं ये हमारे देश में संविधान को बदलने की जरूरत है। ऐसे लोगों का इनकाउंटर भी बहुत छोटा है। आपने रोड पे भीख मांगते लोग देखे जिनके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, आंखें नहीं होती, इनका वो हाल होना चाहिए। सर ये देश वही देश है जहाँ पे गौतम बुद्ध बोलते हैं कि बुराई को मिटाए ना कि जो बुरा इंसान है उसे, तो इसी दौर को मद्देनजर रखते हुए जो है बनाया गया था कानून, और अब जो पुलिस है वो यही काम कर रही है कि अपराधी को ही खत्म कर दे, तो ये किस हद तक सही आप बताएं? आज की डेट में मैडम आप इस बात को समझ जाओ, संविधान के अंदर जितनी धाराएं हैं ना उतनी ही धाराओं को तोड़ने के प्रावधान है। आप किसी वकील के पास बैठ जाओ, क्राइम करने से पहले आपको बचा लेगा वो। आप क्या बात कर रही हो, एनकाउंटर करना एक तरह से मर्डर का ही तो आज, अगर आज, वो एनकाउंटर आप साजिश के तौर पे कर रहे हैं तो वो मर्डर नहीं कहलाएगा। देखिए मेरी नजर में आज की डेट में एनकाउंटर को हम पूरी फुल सपोर्ट देते हैं, और हम कहते हैं संविधान के अंदर धाराएं बदल देनी चाहिए आज। अच्छा, आज ऐसे जितने भी अपराधी हो, आप धर्म मत देखो कौन है हिंदू कौन है मुसलमान, कड़े शब्दों में रोड पे खड़ा करके टांग देना चाहिए। आप इसको भी छोड़ दोगे इनकाउंटर कानून को अपने हाथ में, उसकी लाइफ क्यों है? संविधान बदल दोगे तो कानून हाथ में कैसे आ गया? आप कानून बनाओ इस चीज के ऊपर, संविधान में पास करो आप, फिर कैसे आप उसको कह दोगे कि ये गलत हो गया? आज की डेट में ऐसे बंदों को बीच रोड पे चौराहे पे खड़ा करके भीख मंगवानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है? सरकार की गलती नहीं थी, हमारे देश के अंदर कानून इस तरह का, हमारे देश की नीतियां ऐसी हैं जो संविधान के हिसाब से चल रही हैं। आज इनकाउंटर हुआ तो आज में पुलिस वाला भी तो जख्मी हुआ। आप एक बार बताओ इसका मतलब सामने वाले के पास भी कोई और चीज होगी, कोई ऐसा हथियार होगा? एक पुलिस वाला जख्मी है उस चीज के अंदर, तो वो कैसे जख्मी हो गया? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी मैडम कि आज की डेट में समाज में अगर आप भेड़ियों को खुला छेड़ोगे तो वो भेड़िए किसी को बख्शेंगे नहीं। आज जंगल के अंदर शिकार होता है ना जानवर का। मेरे आप बोल रहे थे कि दो एंगल से नहीं देखना चाहिए हिंदू मुस्लिम, लेकिन ज्यादातर अभी जितने भी क्राइम सामने आए हैं, अभी रेप हुआ है एक लड़की का जो यूपी में लड़की है, उसमें भी मुस्लिम लोगों का हाथ बहुत ज्यादा गंदी तरह से नजर आया है। और मुस्लिम जो कौम है, मैं ये नहीं कह रही कि सारे मुस्लिम, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम लोगों पर अब ऐसा हो गया कि लोग कह रहे हैं कि भरोसा करना भी मुमकिन नहीं है, तो वो चीज को आप किस तरह उसके से लिए जिम्मेदार? कुछ चैनल है, गोदी मीडिया है, जो मुसलमान की कोई खबर निकल के आती है तो उसको हाईलाइट करके सबसे पहले चलाती है, और जब एक कोई हिंदू अगर किसी दोषी होता है तो उसे दबा दिया जाता है। आपको बेंगलोर की घटना पता होगी, आपको भी छत्तीसगढ़ में जो स्पेनिश महिला है उसके साथ जो बलात्कार हुआ, जो टूर ट्रैवल करती थी अपने पति के साथ, सात बंदों ने उसका बलात्कार किया, वो भी सारे हिंदू थे। आप ये बताओ उसको हाईलाइट होने दिया? नहीं होने दिया। मणिपुर में जिसको घुमाया गया बेटी को नीवस, वो भी हिंदू थे। आप बताओ मुझे, आप कितनी मेरे से खबरें लोगी? मैं आपको उतनी खबरें दूंगा। अयोध्या के अंदर जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, अभी जो शिलान्यास की बात, वो क्या कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा दी, उस दिन 22 तारीख को 26 तारीख को अयोध्या के खेत में 5 साल की बच्ची थे, तो हिंदुओं ने बलात्कार किया। आपको खबर मिली? नहीं मिली। आपको की खबर मिली हाईवे पे एक चावल व्यापारी को उसकी बीवी के साथ रोक करके, चावल व्यापारी को बंधक बना करके उसके बेटे के सामने उसकी माँ का बलात्कार किया, वो भी हिंदू थे। आपको खबर मिली? आपको नहीं मिली। आपको वो खबरें मिली? आपको कहाँ से मिली? बिल्कुल मिलती है। आप हमारे साथ जुड़े रहो, आपको भी बहुत खबरें देंगे हम, और सारी वेरीफाइड है। पर आज उसको गोदी मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करता। क्यों नहीं करता? गोदी मीडिया की नजर में जब तक कोई मुसलमान ना हो टीआरपी का मुद्दा नहीं बनता। अभी आप देखो, अभी आपको पता होगा कोरोना काल में थूक फेंकने पे मुसलमानों पे हो गए थे, कोरोना फैला रहे हैं, यही बात हो रही ना, कितना ज्यादा बढ़ा दिया था। आपको बोलते भी, आप तो हमारी बहन बेटियों की तरह, हमें बोलते भी शर्म आ रही है। अभी तमिलनाडु के अंदर हिंदू है वो, राम कालू करके उसका नाम है, अपने फलूदे के अंदर स्पम डाल के बेच रहा है वो। आप मुझे ये बात बताओ, रोड के ऊपर उसने ऐसी एक्टिविटीज की है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार करा हुआ है, वो भी हिंदू है, लोग क्या खिला रहा है वो, आप ये बताओ। फलूदे के अंदर स्पम मिला करके बेचना, सोचने की वाली बात है, कितनी गंदी मानसिकता है कि आप उसे गोदी मीडिया ने चलाया। पर अगर आज वही बंदा स्पम जो करने वाला ऐसा इंसान होता, अगर वो मुसलमान होता, 2024 का पूरा इलेक्शन उसी पे खत्म हो जाता। यानी गोदी मीडिया भी इसमें, ये जो जितने भी घटना हो रही है इसमें सबसे बड़ा जो छुपाने का काम है वो गोदी मीडिया। गोदी मीडिया देश को बर्बाद करने का सबसे बड़ा साधन है आज की डेट में। गोदी मीडिया पे जितनी खबरें चलती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने बोला कि मुसलमान ही ज्यादातर आरोपी निकल के आते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप समीकरण बैठाओगे तो अगर 100 घटनाएं हुई हैं तो आपको रेशियो 50-50 की मिले, 60-40 की मिले, उससे हमें मतलब नहीं है। पर क्राइम करने वाले दोनों तरफ से लोग मिल रहे हैं आपको, तो आप इसे कैसे कह दोगे कि एक ही धर्म के लोग जो हैं गुनहगार हैं? आप धर्म से क्यों ताल्लुक जोड़ रहे हो उसको? आप धर्म से मत जोड़ो ना, आप अपराधी को अपराधी की तरह से देखो।